उधर नजायज माइनिंग के खिलाफ नजायज आ रही है। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने हुण सूबे दे सारे डीसी ते एसएसपी नूं हदायतां दित्तियां ने ते कहा कि मानता प्राप्त खड्डां दी निशानदेही करके उत्थे झंडा लगाया जावे। उन्हें कहा कि जेकर नजायज खड्ड पाई गई तां उस दे लई एसएसपी सीधे तौर ते जिम्मेवार होणगे। सो नजायज माइनिंग दा मामला जो लगातार पिछली सरकार वेले गरमा रहा है, उसनों लैके चन्नी सरकार सवालों के घेरे में रही है। खुद मुख्यमंत्री जोड़े ने उस सवालों के घेरे रहे हैं। हुण मान सरकार जोड़ा इसको लैके खासी सख्त नजर आ रही है। इसको लैके हदायत जारी की गई ने और यह भी कहा गया है कि जो जिथे माइनिंग होनी है उसकी निशानदेही की जाए, उसे झंडा लगाया जाए और किसी भी थान से जो नजायज माइनिंग पाई जाती है तो उसके लिए एसएसपी सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे। माइनिंग विभाग की मीटिंग दौरान मंत्री बैंस ने यह निर्देश दिए हैं। दस दिए कि कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने सूबे के सारे डीसी ते एसएसपी नूं खास तौर पर हदायतें दित्तियां ने ते कहा है कि मानता प्राप्त खड्डां दी निशानदेही की जाए, उत्थे झंडा लगाया जाए। नाल ही यह भी चेतावनी दी गई कि सीधे तौर पर जिम्मेवार होगा। माइनिंग विभाग की मीटिंग दौरान मंत्री बैंस ने एक खास तौर पर निर्देश दिए ने। नजायज माइनिंग के खिलाफ एक्शन विच मान सरकार नजर आ रही है। मंत्री हरजोत बैंस ने इस नूं लेके खास तौर पे ताकीद दित्ती है, हदायतां दित्तियां ने। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने सूबे दे सारे डीसी ते एसएसपी नूं इस बाबत हदायतां दिंदिया कहा है कि जिन्ने भी मानता प्राप्त खड्डा ने उन्हां दी निशानदेही की जाए, उत्थे झंडा लगाया जाए ताकि पता रहे कि इत्थे मानता प्राप्त खड्डा ने। जेकर कोई नजायज खड्ड पाई गई उत्थे नजायज माइनिंग पाएगी तो इस दे लई सिद्धे तौर पर एसएसपी जिम्मेवार होंगे।